अभी थोड़ी देर पहले आपने एक लड़के और लड़की को देखा था क्या? फोटो फोटो दिखाओ। ये नहीं वो लड़की, और इसके साथ ये लड़का था। मैंने नहीं देखा इनको। अरे भैया ध्यान से देखिए, यहीं पर थे दोनों। कहीं रोशनी की बात तो नहीं कर रही थी? हाँ जी जी, रोशनी मेरी बहन है। कहाँ है वो लोग? हाँ पुत्र, रोशनी यहाँ आई थी, बहुत परेशान लग रही थी, बस उसने खाना खाया और चली गई। चली गई? अगर वो मेरी छोटी बहन है, कुछ बताया कहाँ जा रही है वो? उसके साथ एक लड़का भी था ना? नहीं पुत्र, वो तो नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल अकेली थी। अकेली अकेली कैसे हो सकती है? मेरे भी और रोशनी तो साथ में थे ना, फिर वो यहाँ अकेली क्यों आई? अंकल आपकी आपकी कोई बात हुई उससे? कुछ बोला उसने? ज्यादा तो कुछ बात नहीं हुई पुत्र, मैंने उसे बहुत समझाया कि वो वापस अपने घर लौट जाए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। बहुत दुखी थी बेचारी, उसका दिल पूरी तरह टूटा हुआ था। अपनों का दिया जख्म गहरा चुभता है पुत्र, इसलिए अब उसने ठान लिया था कि वो अब लौटकर घर वापस नहीं जाएगी। अंकल मेरी बहन ने आपको कुछ बताया क्या कि वो कहाँ जाने वाली, क्या प्लान है? प्लीज याद कीजिए ना। नहीं पुत्र, ये तो नहीं पता कि वो कहाँ गई, लेकिन हाँ उसने मेरे फोन से एक लड़की को फोन जरूर किया था। वो लड़की यहाँ आई थी, उसने रोशनी को कुछ दिया और फिर वो लड़की भी यहाँ से चली गई। लड़की कौन थी? वो लड़की क्या नाम था उसका? वो तो नहीं पता पुत्र। अंकल हम आपका फोन चेक कर सकते हैं? हाँ हाँ पुत्र। ये लास्ट डायल नंबर तुम्हें पता है? 594। उर्मी, ये तो उर्मी का नंबर है। उर्मी मैंने तुझे कहा था ना कि रोशनी अगर तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो सबसे पहले मुझे आके बताना, तो फिर बताया तू नहीं तूने? मैं भी मजबूर थी दी, रोशनी ने मुझे हमारी दोस्ती की कसम दी थी कि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं। उसने कुछ तो बताया होगा ना कि वो कहाँ जा रही है, उसका क्या प्लान है, बताना। तू चुपचाप क्यों खड़ी है? तुझे जो भी पता है बता दे। बोलना उर्मी। दी रोशनी को कुछ पैसे और कुछ कपड़े चाहिए थे, इसीलिए उसने मुझे उस ढाबे पे बुलाया था, और जैसे मैं ढाबे पे पहुंची उसने मुझसे पैसे और कपड़े ले लिए, बोला कॉल करूंगी, और फिर प्राइवेट टैक्सी में बैठकर चली गई। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता दी। टैक्सी? तो फिर तूने उसको रोका क्यों नहीं? तू मुझे ही कॉल कर देती, मैं आ जाती वहां पे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हें उस टैक्सी का नंबर याद है? नहीं, टैक्सी का नंबर तो मुझे नहीं याद। उर्मी रोशनी का अब अगर कोई भी कॉल आता तो सबसे पहले मुझे बताएगी, समझी? ओके दी। पता नहीं मेरी रोशनी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मेरी कसम कि तू यहाँ से चली जाएगी, मैं तेरे साथ और नहीं दे पाऊंगा। नौकरी ने करके हर रिश्ते को बिखेर दिया। मैं ना इस नौकरी के पहले भी खिलाफ थी और आज भी खिलाफ हूँ, क्योंकि पहले इसने मेरी बेटी को छीन लिया और अब हमारी रोशनी को मजबूर कर दिया घर छोड़ने पे। वरना तू कैसी बातें कर रही है? हमारी चांदी ने कुछ गलत नहीं किया, वो एक फायर फाइटर है, सरकारी अफसर, वो कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकती। कानूनी और गैर कानूनी तुम मुझे मत समझा। लोग ना अपने रिश्तों को बचाने के लिए सूली पे चढ़ जाते हैं, और करना क्या था चांदनी को? जाके बड़े अफसर से साइन ही तो लेने थे फाइल के ऊपर, क्या जरूरत थी झंडे गाड़ने की? हाँ मैं ये कर रही हूँ, गलत है क्या सही है? अरे भाई रोशनी उसकी सगी बहन है, उसकी खुशी के लिए वो इतना भी नहीं कर सकी। पता नहीं कहाँ गई हमारी रोशनी,
घर की बच्ची दोस्तों को फोन करके पैसे मांग रही है, ढाबे पे खाना खा रही है, दर दर पटक रही है, लेकिन घर पे उसने एक बार भी फोन नहीं किया। गुस्से में तेरा दिमाग खराब हो गया वरना कुछ भी बोले जा रही है तू। अरे मैं कुछ भी नहीं बोल रही, जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, ये तू भी जानती है। आज अगर चांदनी रोशनी के साथ खड़ी होती ना तो मेरी बच्ची दर बदर की ठोकरें नहीं खा रही होती। नानी मैं जानती हूँ रोशनी के जाने के बाद आप बहुत दुखी हो और अब मुझसे गुस्सा भी हो, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपनी नौकरी ईमानदारी से की है। 15 साल पहले भी ऐसी ही किसी गलत सिग्नेचर ने, गलत रिपोर्ट ने हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी, तो एक और गलत सिग्नेचर कैसे होने देती मैं? माना निर्भय को पैसों की जरूरत थी, लेकिन जरूरत आपको गलत रास्ते पे चलने का लाइसेंस नहीं देती है। ये बात निर्भय और रोशनी नहीं समझ पाए और मैं उन्हें समझा नहीं पाई। पुत्र जी, अपने आप को खुश करने के लिए जितनी दलीलें देना चाहते हो, जितनी दलीलें देना चाहते हो ना दो, लेकिन सच यही है कि तेरी वजह से ना रोशनी हमारा घर छोड़ के चली गई। क्या कह रही थी? ईमानदारी, बड़ा ईमानदारी का टोल बजा रही थी ना, ये सही है ये गलत है। अरे क्या सही क्या गलत, अब जाना अपनी ईमानदारी के पास और बोल कि हमारी रोशनी को घर वापिस लेके आए। ये सब क्यों किया? अपनी नौकरी के लिए ना, जा अपनी नौकरी के पास और बोल उसको कि तेरी बहन को वापिस लेके आए। उसके बाद तू दलीलें देना मेरे सामने आके, ज्ञान बांटना मेरे सामने आके, समझ गई ना तू? ये दो मैडम। क्या हुआ चांदनी? कल तुम्हारे यहाँ पुलिस आई थी? आंटी वो एक्चुअली कविता, पुलिस तो शायद निर्भय को लेने आई थी। अरे हाँ, मैंने सुना है वो किसी का खून करके भाग गया है और लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसने अपने क्लब में जानबूझकर आग लगाई ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। एक नंबर का बेईमान और झूठा लड़का था वो। अरे ये आजकल की लड़कियां भी ना किसी का भी हाथ पकड़ के भाग जाती है। अरे भाभी जी, एक बात पता है, मेरे मोहल्ले की भी एक लड़की एक लफंगे लड़के के साथ रफू चक्कर हो गई और वो भी अपनी नानी के साथ ही रहती थी। पिछले महीने वे 3 महीने का पेट लेकर वापस लौटी। अब बेचारी नानी क्या करती, अपना ली उसको। भगवान न करे हमारे रोशनी बिटिया को। बस! बहुत हो गया, अब एक भी शब्द और नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ फिर भी मेरी बहन के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। अगर आप लोगों को मेरी या मेरे परिवार की इतनी फिक्र है तो चलिए ना घर, आराम से बैठ कर बात करते हैं, जानिए कि असलियत क्या है। बिना सच जाने ऐसे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है आप लोगों को। वाह भी वाह, तेवर तो देखो मैडम के। एक बहन तो परिवार का मुंह काला करके भाग गई अपने आशिक के साथ, घूरी आशिक के साथ, और ये बहन हमें बता रही है किसके बारे में क्या बोलना है। मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? यहाँ पूरे मोहल्ले में ना सबकी कुंडलियाँ निकालूं मैं? कविता आंटी, आपका बेटा मुंबई क्या था ना एक्टर बनने, सुने 6 महीने से जेल में है एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की वजह से। और नीतू आंटी, आपने भी तो अपने घर पे काम करने वाली लड़की के हाथ पे गरम चिमटा लगाया था जिसकी वजह से पुलिस भी आई थी। एक रात तो आपने भी लॉकअप में काटी थी ना। बहुत ज्यादा बात कर रही है तू। अच्छा, हम सच बोले तो हद मेरे, लेकिन आप लोगों के पास कुछ भी बोलने का लाइसेंस है? आइंदा मेरे परिवार के बारे में या मेरी रोशनी के बारे में कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया कितने पैसे हुए?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।